वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्वागत है मिस्टर टेक्नोलॉजी में। एंड आज हम जानने वाले, जैसे कि आप देख रहे हो कंटिन्यू इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक एंड ओप्पो रेनो 4 प्रो के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि वो फ़ोन करंटली मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, जाकि मेरे को यूज़ करने में इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं सोचा क्यों नहीं उसके कुछ अमेजिंग फीचर्स आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो आज मैं उसकी जैसे एक अमेजिंग फीचर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, और जो कि मैं आपको बताऊँगा कि वो यूज़ करके मुझे कितना अच्छा लगा, और आप भी अगर वो यूज़ करते हो तो आपको कितना वो बेनिफिट कर सकता है। तो आज हम जानने वाले ओप्पो के ऐसे दो ब्रांड न्यू एप्लीकेशन के बारे में, जो रिसेंटली ओप्पो ने अपने जो न्यू लॉन्च मॉडल है उसमें उन्होंने इनबिल्ट दिया हुआ है। एंड दूसरी बात कि अगर इसमें एक ऐसा फीचर्स है क्विक बबल रिटर्न करके, जहाँ पे हम गेम खेलते हैं तो हमें गेमिंग में कितना इम्प्रूवमेंट और कितना एक बहुत ही बड़ा एक हेल्पफुल होता है वो एप्लीकेशन की वजह से, तो हम उसके बारे में जानेंगे, रिव्यू लेंगे, एंड ये दो एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना और क्या हमें बेनिफिट देता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता हो, मेरे पास जो फ़ोन जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास रेनो 4 प्रो है, ओप्पो का जो लेटेस्ट ब्रांड फ़ोन आया हुआ है, ब्रांड न्यू फ़ोन ओप्पो रेनो 4 प्रो, जो कि आपको मिलता है 3D बॉर्डरलेस के साथ, जिनकी जो डिस्प्ले आपको एज डिस्प्ले मिल जाती है, और इस रेंज में अभी तक किसी कंपनी बस इस फीचर्स में फ़ोन नहीं है। अगर आप चाहो तो आप मुझे, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, एंड आप उधर से जाके परचेस भी कर सकते हो ये फ़ोन को। एंड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली कमेंट में आप टाइप करके मुझसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और मैं रियली सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई खुद देता हूँ, कोई बिना लेट किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला एप्लीकेशन है हमारा, ये देख रहे हो आप ओप्पो लैब, जिसमें अभी बताऊँगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद आपको मैं उसका बताऊँगा। एंड आपको बाजू में देखो ओप्पो रिलैक्स, वो हम कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से हम उसको अपने लाइफ में यूज़ ले सकते हैं यूज़फुल, वो भी बताऊँगा मैं। बाजू में पबजी दिख रहा होगा, जो कि हम गेमिंग खेलते समय क्विक बबल रिटर्न ऐप जैसे जो फीचर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ओप्पो लैब से। मैं ओप्पो लैब में क्या, मुझे दो ऑप्शन मिल रहा है, लैब रिंगटोन एंड डिसीजन स्पिनर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं लैब रिंगटोन से, एंड इसमें जो देखते हैं इसकी इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है, स्लाइड द वाइट बॉल ऑन द सेटिंग पैनल टू स्विच बिटवीन साउंड स्टाइल्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड बीट्स टू क्रिएट अ यूनिक रिंगटोन। जिसमें इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा ऊपर थ्रिलिंग करके लिखा है, एंड राइट में आपको दिख रहा है लेफ्ट सिंपल रिलैक्सिंग स्लो एंड फास्ट, और एकदम बीच में आपको एक वाइट डॉट दिख रहा है, जो साउंड बज रहा है। मैं वाइट डॉट को जिस पे ले जाऊंगा तो इसका साउंड क्रिएट होगा, स्लो भी स्लो हो जाएगा, फास्ट फास्ट रिलैक्सिंग से रिलैक्स फील होगा, एंड इस तरह से एक रिंगटोन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए क्रिएट करते हैं। ये जनरेट हो गया, सेव हो गया हमारे इस फाइल में, तो चलिए प्ले करके देखते कैसे बना। तो आप इस तरह से अपने रिंगटोन क्रिएट कर सकते हो, मैंने इससे पहले भी दो तीन बना लिया है, बहुत ही अच्छी है, मेरे तो मेरे हिसाब से अच्छी बनी है। तो चलिए ये हो गया। एंड दूसरा जो इस हम लोग को ऑप्शन मिलता है डिसीजन स्पिनर, स्पिन अ व्हील टू मेक डिसीजन व्हाट डू वी ईट टुडे, वेयर शुड वी स्पेंड योर वीकेंड, स्टॉप वरिंग अबाउट मेकिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी अगर आपको डिसीजन लेना होता है, जैसे हम कुछ हॉलीडे पे जा रहे हैं, कहाँ पे जाना है, हमारे इतने फ्रेंड सर्कल होते हैं कि किसी को इधर जाना है किसी को उधर जाना है, तो हम एक उसका एक लिस्ट बना सकते हैं डिसीजन मेकिंग का, एंड उसको एक फिर हम स्पिन कर सकते हैं। आप चाहते हो तो टैप टू टॉपिक पे आप जाके कर सकते हो, खुद का स्पिन करना है तो प्लीज साइनिंग करके आप उसको खुद का बना सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शन डालने हैं आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आज जाता हूँ ये, व्हाट ड्रेस कैन आई डू विथ माय फ्रेंड, तो ये हो गया। इधर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ये जो 4 ऑप्शन है, तो ये हो गया 4 ऑप्शन, तो इसमें आप खुद का ही बना सकते हो। आपको दिख रहा होगा ये व्हाट ड्रेस का आएगी, जो i++ फिर इधर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर जाके आप क्रिएट कर सकते हो और खुद का एक डिसीजन मेकिंग बना सकते हो आप, और खुद इसको स्पिन करके अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके
ये यूज़ में, ये हो गया। और फिर बात करते हैं हम दूसरे एप्लीकेशन का जो कि आता है ओप्पो रिलैक्स, जो भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन उन्होंने तैयार किया है, वो उनके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं बहुत ही अच्छे हेल्पफुल हमारे लिए है। तो चलिए इसके भी देखते हैं। ओप्पो रिलैक्स मैं ऑन करता हूँ। फाइंड द इनर स्पेस ऑफ विद द ओप्पो रिलैक्स, लिसनिंग टू कम्फर्टिंग साउंड टू रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड, हेल्पिंग यू ब्रीथ बेटर, स्लीप बेटर एंड स्टे मोर फोकस। ये आप जो साउंड सुन, इतना रिलैक्स साउंड है कि आप अगर उसको सुनते जाओ और सुनने का मन हो कि बहुत रिलैक्स है एंड बहुत लाइटिंग, मतलब बहुत स्लो साउंड है, इसमें बहुत स्मूथ साउंड है। तो इससे आप अपने फील, मतलब अगर आपको बहुत वो टेंशन हो रहा हो और आपको रिलैक्स करना हो, तो ये साउंड सुन के आप इजीली सो सकते हो। सोने में बहुत हेल्पफुल है, मतलब आपको माइंड रिलैक्स करेगा। दूसरा आपको साइड में ऑप्शन दिखेगा होम के बाजू में, जस्ट ब्रीथिंग जो स्माइल फेस का इमोजी है, उस पर क्लिक करते हो तो आपको इधर आता है फॉलो द प्रमोट्स, फोकस ऑन ब्रीथिंग एंड अचीव द फुल रिलैक्सेशन। आपके बॉडी को फुल रिलैक्स करेगा। चलिए जानते हैं कैसे। इसमें इसको स्टार्ट करता हूँ। रिलैक्स योर बॉडी टू माइंड, फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। अब ये सांस लेने हुए, सांस लीजिए, सांस को फिर धीरे 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 बाहर छोड़िए। तो ये इसी आपसे 3 से 4 बार कराएगा, आप इतना कर सकते हो। तो लगता है कि हाँ हो गया है, तो नीचे आपको फिनिश का ऑप्शन है, तो फिनिश कर सकते हो जाके आप एंड बैक। इधर फिर आपको उसके बाद एक म्यूज़िक ऑप्शन होगा, जो कि मुझे ये फीचर बहुत ही अच्छा लगा। जैसे मान लीजिए हर टाइम पे, अभी जैसे ये कोविड का सीजन था तो हम कॉफ़ी पीने के लिए बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो मैं जो कॉफ़ी पीना, हम घर पे कॉफ़ी पीते पीते, जैसे आप बड़े बड़े कॉफ़ी शॉप पे जाते तो आपको पता होगा, जब भी हम कॉफ़ी पीते तो ऐसे एक नॉर्मल, मतलब बहुत ही अमेजिंग सा साउंड क्रिएट, मतलब उधर बजाते हैं उन लोग, प्ले करते, जब भी माइंड रिलैक्स होता है, इवन कॉफ़ी का मज़ा और दुगना हो जाता है। तो वो आप अपने घर पे कर सकते हो। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं हम कॉफ़ी शॉप पे। ये एकदम रिलैक्सिंग साउंड है, जो कि आप मतलब कॉफ़ी पीते पीते ये यूज़ कर सकते हो और अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ अपने घर पे इंजॉय कर सकते हो पार्टीज। एंड दूसरा आपको एकदम टाइम का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आपको टाइम सेट करना है तो लास्ट 180 एंड स्टार्टिंग 5 मिनट्स से, आप बीच में कोई भी टाइम रख सकते हो। एंड इसमें आपको बहुत सही मिल जाएगा, मेडिटेशन का भी एक ऑप्शन है, सॉलिट्यूड एंड फिर एक लास्ट में आता है एंबिएंट मोड। तो फिर एंबिएंट में जाते हैं, तो एंबिएंट में और भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, जहाँ पे समर, सीसोर्स, मॉर्निंग सनशाइन, नाइटिंग और बहुत सारे ऑप्शन है आपको इधर। जैसे ऐसे आप जाओगे वैसे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए मेरे को सबसे जो मेरा बेस्ट साउंड है वो है सन समर वाला, जहाँ पर अगर इससे अगर बैटरी यूज़ करना है तो आप अगर आपके घर में डॉल्बी अटमॉस साउंड लगाओ, आप उसको आप वो साउंड से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हो, अगर आप बेड पे अगर आँखें बंद करके सो जाते हो ना, ये साउंड से फील करते हो, तो एक्चुअली आप फील करो कि आप सेम उस जगह पे हो, आप बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। और जो दूसरा साउंड है मॉर्निंग सनशाइन का, ऑलवेज मिलता जो साउंड है, जैसे अगर आप एक घने जंगल के वादी में हो और जब मॉर्निंग में जो हम जैसे उठते हैं सोते, तो उस तरह साउंड जो उसकी चीज, जो बर्ड्स की जो साउंड होते हैं एंड पानी और हवा, वो सब का जो साउंड होता है, जहाँ पर ये साउंड सुनने में बहुत मज़ा आता है हमें, क्योंकि हमें बॉडी को रिलैक्स फील करता है। एंड ये हो गया ओप्पो रिलैक्स। और लास्ट ऑप्शन जो बचा है हमारे पास, जो है पबजी का, जो हम ट्राई करेंगे क्विक बबल रिटर्न के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पबजी में। जैसे ही ऑन करता हूँ, इन्हें पबजी ऑन कर दिया, ये थोड़ा टाइम लगेगा पबजी ऑन होने में, क्योंकि पबजी है इसमें क्विक बबल रिटर्न का क्या मेन फीचर है जो बताया था आपको। जैसे हम पबजी खेल रहे हैं, गेम के टाइम पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, आपने अगर देखा होगा पहले कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हो, फिर मैसेंजर, जो फेसबुक का जो मैसेंजर एप्लीकेशन, उसका आपको मैसेज आता था, वो कैसे एक बबल जैसा आता था, मतलब एक बबल जैसा आता था आपको मैसेज अचानक से, तो उस तरह का मैसेज आगे आपको व्हाट्सएप पर भी आगे मैसेज, तो उसी तरह का मैसेज आएगा, जहाँ पर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस साइड में आपको बबल आएगा। जो मेन फंक्शन है इसका, गेम ऑन कर देता हूँ आपके, जैसे मान लीजिए ऑलमोस्ट आपको गेम के नंबर से काम से
जब भी हम गेम खेलने स्टार्ट कर अपने फ़ोन को जो डेटा से ऑन करते हैं तो हमें बैक टू बैक मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे हो गए, फेसबुक पे हो गए, सब जगह पे। तो उस टाइम पे मान लीजिए मैंने गेम चालू कर दिया, मैं गेम से बाहर जाना चाहता हूँ मैं अपने फ्रेंड के साथ मैसेजेस, मतलब उनके जो मैसेज चैट्स हैं उनको रिप्लाई करने के लिए। तो यदि आप देख सकते हैं कि मेरे को एक साइड पे पॉपअप आ रहा है जहाँ पे आप ये देख रहे हो मैच स्टार्ट होने वाला है कुछ में 26 सेकंड में, तो तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं इसको मतलब चेक करते रहूँगा कि हाँ मुझे उतना ही नहीं कि बार मुझे ना रिसेंट में जाके पबजी चेक करना पड़ेगा, सॉरी कि मेरा मैच चालू हुआ है कि बाकी है, मेरे को एक देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि साइड में मेरे पास एक बबल टाइप आ चुका है जहाँ पर मैं उसको चेक कर सकता हूँ। और ये जैसे ही मैच स्टार्ट होगा तब जैसे प्लेन में जब बैठते हो तो आपको तुरंत ऑप्शन आएगा इन कैबिन में, जैसे आप देख रहे हो इन कैबिन, आप कैबिन में बैठ चुके हो, मतलब अब दिखाता हूँ जैसे कैबिन का ऑप्शन है तो आप प्लेन में बैठ चुके हो। मैं जैसे क्लिक करता हूँ इस पर, ये देखिए हम प्लेन में जा चुके हैं एंड हम जैसे भी मैच स्टार्ट करते थे फिर ये ऑप्शन काम नहीं करेगा क्योंकि ये उसके लिए है, फिर बाद में आपको ये मैसेज इसमें ज़्यादा काम करेगा। एंड उसके बाद एक अगर गेम की बात करो तो गेम खेलने के लिए आप अगर फीस को यूज़ करते हो गेम स्पेस, तो जहाँ पर आपको बहुत बेटर एक्सपीरियंस कराएगा गेम के लिए, जैसे आप उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, स्मार्ट डुअल चैनल नेटवर्क, ब्राइटनेस लॉक कर सकते हो, ऑटोमेटिक एडजस्ट रिजोल्यूशन, जो इसकी रिजोल्यूशन होगी उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर इधर आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉम्पिटिशन मोड, बैलेंस मोड, लो पावर मोड, इधर आपको ब्लॉक नोटिफिकेशन, रिजेक्ट कॉल्स, ब्लॉक कॉल्स एंड नोटिफिकेशन, अलाउ कॉल्स एंड नोटिफिकेशन, ये सब इसमें यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये फ़ोन गेमिंग में भी आपको बहुत बेटर एक्सपीरियंस देने वाला है अगर आप ये यूज़ करते हो तो। एंड यही आज का टॉपिक था हमारा, जहाँ पे हमने कुछ जाना कि ओप्पो रेनो 4 प्रो में क्या कुछ नए ऐसे एप्लीकेशन मिल जा रहे हैं जो हमें यूज़ करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, इनके उसमें कुछ खास फीचर्स हैं। तो जहाँ हमने जाना कि इतने अच्छे फीचर्स के साथ हमें जो फ़ोन मिल रहा है इस रेंज में, इवन बहुत लाइट वेट है, मतलब आप यूज़ करो तो आपको पता चलेगा कि इस फ़ोन की एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब बहुत लाइट वेट फील होता है जब हम इसको यूज़ करते हैं, इतना लाइट वेट, इतना स्लिम पीस है, लेकिन तो भी अपने आप में पावर पैक फ़ोन है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जहाँ कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूँ। आप जब लाइक करोगे वीडियो तो मुझे एक मोटिवेट होगा, मैं आपके लिए ऐसे सेम वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूँगा। एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए, उनको भी पता चले कि आपके भाई का एक चैनल है और उस पर ऐसी वीडियो आती है तो भी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।